हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं जस्ट दोपहर के 12। तो मैं अभी सभी काम से फ्री हो गई, बेटा स्कूल चला गया और हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे, बेटी अभी सो रही है तो मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हूँ। और कल बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं बहुत सीरियस रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। होता है ना, कभी कभी आपका मूड थोड़ा सा स्विंग कर जाता है, मतलब खुश रहने का मन ही नहीं करता है, तो ऐसा है। बाकी तो मेरी एनर्जी, मैं हाँ बहुत हंसती नहीं हूँ, ऐसा मेरा थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन है। और बट मैं जिंदगी को जीने में ही बिलीव करती हूँ, वो भी खुश होकर। कोई मुंह बना के बैठता है तो मैं भी बोलती रहती हूँ उसको। तो हाँ, एक बात है कि जैसे 1 ईयर भी अभी नहीं हुआ और मेरी दादी पिछले साल इस टाइम पे हमारे साथ थी, तो थोड़ा इमोशनल रहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें बहुत, तो मैं थोड़ा हंसते हंसते इमोशनल भी हो गई, तो सॉरी, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। और शादी के बाद ना मैं उनके पास बहुत कम रह पाती थी, मतलब मिलना ही बस हो पाता था। तो लगता था कभी तो कुछ दिन मैं उनके पास रहूँगी, उन्हें भी अपने घर लाऊँगी। मेरा घर मतलब 2-3 साल पहले ही बना है, तो एक बार ही यहाँ पे आ पाई थी और मुझे था कि मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ भी रखूँगी, और वो बहुत पहले ही चली गई। तो इस बात का थोड़ा सा इमोशंस आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें भूलने की, मतलब कि इतनी इमोशनल ना हूँ। बाकी उन्हें तो मैं अपनी, मैंने सोचा था आज हंसते हुए वीडियो बनाऊंगी, बट फिर से मैं उन्हीं की यादों में खो गई। तो बस यही रीज़न है कि मैं बहुत हंसती नहीं हूँ। ये मेरा क्या है ना कि अभी लेटेस्ट, अभी वो इस नवरात्रि, पिछली नवरात्रि में वो थी और दिसंबर में ही, पिछले दिसंबर में वो गई, तो इतना जल्दी उन्हें कैसे भूल जाए? नहीं भूल सकते, इतना आसान नहीं होता है। बस इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। बाकी तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुश रखना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जो मुझसे क्लोज थे वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। अब जो मेरे अपने हैं उनसे पहले कभी भी मैं इस दुनिया से जाऊँ और वो सब मेरे साथ रहे, बस यही भगवान से मांगती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे थोड़े कम हो चलेगा, बट लोगों का प्यार और साथ हमेशा होना चाहिए। इससे बढ़ के ना लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी रियलिटी देखी है कि इन चीज़ों की ना इतनी इच्छा नहीं रहती। हाँ, काम और उसके पास पैसे नहीं हैं तो मैं उसे सपोर्ट कर सकूँ, बस भगवान से इतना ज़रूर मांगती हूँ कि मुझे इस लायक ज़रूर बना देना कि मैं हर उस मजबूर इंसान की हेल्प कर सकूँ जो बहुत मजबूर होता है, क्योंकि गरीबी से बड़ा दुख भी कुछ नहीं होता है। जिसके पास नहीं होता ना इस चीज़ को, वही समझता है। तो पता नहीं क्यों मैं किसी को दुखी परेशान नहीं देख पाती। तो बस भगवान से ये ज़रूर मांगती हूँ कि मेरे खुद के पैसे, मतलब मेरे हस्बैंड से भी मुझे कभी बोलने ना पड़े, मेरे पास इतना हो कि मैं दूसरों की उस पैसे से सिर्फ मदद करूँ। वो पैसा मुझे अपनी शौक पूरी करने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, मैं दूसरों की, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करूँ और उसमें कोई बोलने वाला ना हो कि ये क्या किया, किसको दिया। वो मैं अपनी मर्जी से खर्च करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप के लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने खुद के पैसे से। तो ये मेरा एक ड्रीम है, इसीलिए मैं चाहती हूँ बस भगवान इतना कर देना कि मेरी थोड़ी सी भी अर्निंग होने लगे और वो मेरे खुद के हों, जिसमें मैं अपनी मर्जी से लोगों की सपोर्ट, लोगों का मदद कर सकूँ। तो इसीलिए मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ, और मैं फेसबुक पे भी, फेसबुक पेज पे भी काम करती हूँ। तो उसमें आज मुझे 1 स्टार, 1 स्टार का मतलब गिफ्ट मिला है, पहला गिफ्ट आज मुझे मिला है, तो वो भी एक खुशी थी। बट जो भी खुशी होती है ना, उसमें मुझे और भी अपने ही याद आते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी मेरा चैनल मोनेटाइज हो मेरी दादी के रहते, क्योंकि मैं उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहती थी, बट वो बहुत पहले चली गई। जो भी करती थी मैं उनको फिर भी, बट बहुत कुछ करना चाहती थी, बट भगवान ने वो मौका नहीं दिया। इसलिए अब चाहती हूँ कि प्लीज़ अब जो है ना उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, जो मैं सोच रखी हूँ वो मैं कर पाऊँ अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने जो भी हैं जिनको भी नीड है, जो बहुत गरीब होते हैं बेचारे, एक वक्त का खाना भी नहीं पाते।
तो मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, प्लीज भगवान इस लायक बनाना। और एक बात तो है, जब भी मैंने माता रानी से नवरात्रियों में, मतलब उनका व्रत, मैं 5-6 साल 9 दिन का व्रत रहती थी, तो मैंने उनसे जो भी मांगा जीवन में उन्होंने मुझे दिया है। बस यही दुख सब मिलते गए कि मेरे अपने बहुत जल्दी चले गए, बट किसी की लाइफ हम नहीं बदल सकते। क्या है ना, होता है ना कि आपकी ज़िंदगी जब आप पैदा होते हो ना, उसी वक्त डिसाइड हो जाती है कि हमें कब जाना है इस दुनिया से। तो उन लोगों की लाइफ के शायद इतने ही साथ हमारे साथ लिखे थे, हमारे साथ रहने के लिए। तो वो जहाँ भी हो बहुत खुश हों, और यही विश करूँगी कि मुझे हर जन्म में ऐसी दादी मिले, मतलब दादी के रूप में आप ही मुझे हमेशा मिलना, बस यही विश जरूर है। तो आई नो सबको अपनी दादी से बहुत प्यार होता है, बहुत ज़्यादा, और रहते हुए नहीं समझ आता ना, बट जब वो नहीं होते ना तो बहुत बुरी फीलिंग्स होती है। तो आई नो मुझे कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है, आती रहती है। तो आप लोग भी विश करो कि मैं धीरे, बट अब थोड़ा हो गया है, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा भी हो जाता है ना आपके साथ ज़िंदगी में। और बहुत सारी ऐसी स्टोरी है, अब क्या बताऊँ, कभी फिर बताऊँगी। मेरी एक और फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो वो भी बहुत, मतलब बहुत ही कम टाइम में मेरा साथ छोड़कर चली गई। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी खास। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से कभी कभी उन सब की यादों में खो जाती हूँ मैं। और इसीलिए मुझे ना सिर्फ लोगों की अच्छाई से प्यार है, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में कुछ हमारे साथ नहीं जाता, और जितना हो सकता है ना, मैं इसीलिए लोगों की हेल्प करना पसंद करती हूँ, क्योंकि सब यही रह जाना है, साथ में आपकी अच्छाई ही आपके साथ जाएगी, बाकी सारी चालाकियाँ, सब कुछ, सारी होशियारी यहीं रहेगी, हमारे साथ चली जाएगी। तो आपके अच्छे काम ही आपके साथ, मतलब वो रह जाएंगे, आप चले भी गए तो लोग कभी तो याद करके दो आंसू आंखों से निकालेंगे कि वो इंसान ऐसा था। तो बनना है तो ऐसे बन के जाओ जैसे मेरी दादी थी। वो जब तक, मतलब इतना दान पुण्य करती थी ना कि किसी को भी खिलाना पिलाना इतना पसंद था उन्हें, कोई आ जाए उसे खाली हाथ नहीं लौटने देती थी, बहुत हेल्पफुल थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करती थी। तो हम लोग का एक तरह से आप बोल सकते हो ना कि एक खानदानी होता है कि वो चीज़ें चलती है। तो हम लोग शुरू से देख रखे हैं कि दादी बब्बा हमारे ऐसे थे, बहुत दान पुण्य करते थे, तो उनकी कृपा से ही आज घर में सब बरकत है, सब अच्छे से रहते हैं। तो उन्हीं के दान पुण्य का ही आशीर्वाद है कि सब बढ़ रहे हैं आगे और खुश हैं, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। आज भी मैं यही सोचती हूँ कि वो हमें जहाँ भी हैं देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगी, आज थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, कल से भी ज़्यादा। तो ओके बाय, हैप्पी नवरात्रि।